ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था डिजिट और नंबर, ठीक है, और नंबर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर डिजिट से बनता है, और उसके बाद हमने पढ़ा दो अंकों से बनी संख्या। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, यानी लास्ट अंक, लास्ट डिजिट और लास्ट टू डिजिट। तो आज की हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लास्ट के टू डिजिट। पहले सवाल आता था यूनिट डिजिट से रिलेटेड, और आजकल सवाल आता है लास्ट के टू डिजिट। क्लियर? देखो, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, एंड इसको हम कहते हैं लास्ट डिजिट, या हम कहते हैं इसको लास्ट टू डिजिट। क्लियर है ना? तो इससे पहले, इसके पढ़ने से पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि पांच फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बात आगे समझ में नहीं आई? 5 × 20 = 60 × 120 होता है इसका मतलब लास्ट, ठीक है। इसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर? उसके बाद 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, ठीक है, 3 × 2 × 1। और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। क्लियर? इस प्रकार से मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया, तो आप मुझे बताना कि इस फैक्टोरियल को और कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखना, इस फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5, और ये क्या है फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप मुझे बताना, ध्यान से देखना, यहां पर फैक्टोरियल 15 माइनस फैक्टोरियल 14 माइनस फैक्टोरियल 13, इसका मान क्या होगा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप देखना, ये इससे छोटा सा एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड, फैक्टोरियल से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप मुझे बताना। इसमें से इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 15, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 14, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 13। क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 13। आप मुझे बताना, फैक्टोरियल 15 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 13 गुणा में 14 गुणा में 15, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई? फैक्टोरियल 13 तक की तो संख्या वही होगी ना, फैक्टोरियल 13, 12, फैक्टोरियल 11, ऐसा लिख सकते हैं? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? माइनस फैक्टोरियल 14 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 13 गुणा में 14 लिख सकते हैं ऐसा, और फैक्टोरियल 13 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 13 गुणा में 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि इसमें क्या कॉमन आ जाए, फैक्टोरियल 13 कॉमन आ जाए, यानी फैक्टोरियल 13 इसमें भी, फैक्टोरियल 13 इसमें भी, फैक्टोरियल 13 इसमें भी। तो फैक्टोरियल 13 को बाहर लिख लो, मैंने लिख लिया फैक्टोरियल 13 को बाहर। आप मुझे बताना, यहां से क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा? 14 गुणा में 15, और यहां से क्या बचेगा? फैक्टोरियल 13 चला गया तो क्या बचेगा? 14। फैक्टोरियल 13 यहां बाहर चला गया, क्या बचेगा? कितना बचेगा माइनस का? 1। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखना आगे, फैक्टोरियल 13 गुणा में फैक्टोरियल 14 × 15 क्या होगा? आप लिख लो 14 × 15, और आप देखना, और माइनस का क्या है? माइनस के 14 और माइनस के 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 15, और फैक्टोरियल 13 ऐसे कैसे? और आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि अब की बार कॉमन क्या आ गया, 15 कॉमन ले सकता हूँ ना बाहर, तो इधर से क्या बचेगा? 14, इधर से क्या बचेगा? माइनस का 1, 14 में से 1 ये 13, तो फैक्टोरियल 13 गुणा में 15 और गुणा में क्या जाएगा? 13। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, फैक्टोरियल पर डिपेंड था ये। बात आ गई समझ में? नहीं आई? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अगर कोई फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, फैक्टोरियल 4 है, इसको मैं लिखूंगा 4 × 3 × 2 × 1,
ठीक है, तो आप मुझे बताना फैक्टोरियल चार से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल पांच हो गया, फैक्टोरियल छह हो गया, फैक्टोरियल सात हो गया, फैक्टोरियल आठ हो गया, ये संख्याएं यानी फैक्टोरियल चार से ऊपर ऊपर की संख्या में चार आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ आप, सब में चार आएगा। तो ऐसी संख्या यानी जो फैक्टोरियल चार से ऊपर की जितनी भी संख्या है ना, यानी जो फैक्टोरियल चार से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है ना, वो चार से क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फैक्टोरियल चार से, फैक्टोरियल चार से अधिक अधिक वाली संख्याएं, संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं, चार से डिवाइड हो जाती हैं, चार से डिवाइड हो जाती हैं। यह आपका क्या है, एक तरीके से नोट है, और इस नोट को आपको याद रखना है, यह आगे चल के आपके काम आएगा। आप बताओ यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होती है, हिंदी में यूनिट डिजिट को क्या कहते हैं, देखना यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। इसको या तो यूनिट डिजिट कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम लास्ट डिजिट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लास्ट डिजिट, या इसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, इकाई अंक या फिर अंतिम अंक, इकाई अंक या अंतिम अंक कह सकते हैं ना, अंतिम अंक। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो ये यूनिट डिजिट होता है ना, इसको देखना, मैंने कोई संख्या लिखी 452, क्या लिख दी 452, आप मुझे बताना इसी को क्या बोलते हैं, अपन लास्ट डिजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट का नाम क्या है, ध्यान से देखना, लास्ट डिजिट तो क्या है इसके अंदर, लास्ट डिजिट क्या है, दो है। अगर आपसे कोई पूछे लास्ट टू डिजिट, तो लास्ट टू डिजिट कौन सी इसमें, 52, 72, समझ में, यह है लास्ट, इनको बोलेंगे अपन क्या, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट। मैं आपसे कह दूं, ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन में मैं आपसे कह दूं कि 50 गुना 30 गुना 52 गुना 8 गुना में 5 51 552, तो इसमें आपको बताना है मैं इकाई अंक क्या होगा, मैं यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इसके अंदर, तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या करना है, अगर कभी कहीं पर भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और इसकी लास्ट डिजिट चाहे कुछ भी हो इनकी, तो इसका क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो जीरो ही आएगा ना, बात आ गई। हमें तो लास्ट डिजिट से मतलब है, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, अगर मान के चलना ये क्वेश्चन आ गया 453 प्लस 532 प्लस 812, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप मुझे बताना इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 3 और 2 5, अब की बार जुड़ेगा 5 और 2 7, तो इसका जो आंसर आएगा ना, तो उसके सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप, बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। ठीक है, तो ये होता है आपका लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट डिजिट पर आधारित 37वीं 94वीं 129वीं विषम संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा, कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 37वीं 94वीं 129वीं विषम संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहा है, बताओ, मैं ही बता देता हूँ, कईयों का आंसर जीरो आ रहा होगा, ऐसा ही है क्या, लेकिन जीरो इसका आंसर नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, 7, 4, 11 और 9, 20 इकाई अंक तो जीरो होता है, ऑप्शन में आपको जीरो भी दिया होगा, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से यहां समझ रहा, मैं आपसे कहूं कि एक भी विषम संख्या क्या है बताओ, एक भी विषम संख्या क्या है बताओ आप, एक है ना, अच्छा दूसरी विषम संख्या क्या है, कौन सी है, 3, मैं आपसे कहूं तीसरी विषम संख्या यानी 3वीं विषम संख्या क्या है, 5, मैं आपसे कहूं चौथी विषम संख्या क्या है, चौथी विषम संख्या क्या है, 7, मैं आपसे कहूं पांचवी विषम संख्या क्या है, कौन सी है, 9, आप ये बात समझ रहे हैं, आपको कोई, मैं आपसे कहूं कि 49वीं विषम संख्या क्या है, तो
तो आप आसानी से कैसे बता सकते हैं 49 विषम संख्या 97 है। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ एक छोटी सी, ठीक है, आप कोई सी भी विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आज तक आपको शायद पता भी नहीं होगा इस बात का कि विषम संख्या हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक 392 में विषम संख्या क्या होगी, 392 में विषम संख्या क्या होगी, तो कैसे करेंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखना। मैं एक को दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाए, दो, दो में से एक गए एक। आप बताओ पहली विषम संख्या तो एक ही होती है ना। मैंने आपसे कहा दूसरी विषम संख्या तो दो को दो से गुणा कर लो, चार में से एक गए तीन, तो दूसरी विषम संख्या क्या होती है, तीन। मैंने आपसे कहा तीसरी विषम संख्या क्या है, तो तीन को दो से गुणा करो उसमें से एक घटा दो, कितनी होती है, पांच। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, बताओ, हाँ या ना। मैंने आपसे कहा कि चौथी विषम संख्या क्या है, तो चौथी विषम संख्या को दो से गुणा करके एक घटा दो, तो कितनी आ जाएगी, सात। और आ रही है, देखो ये। मैंने आपसे कहा पांचवी विषम संख्या क्या है, बताओ उसमें से एक घटा दो, कितनी है, नौ। अब तो आप समझ गए होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सवाल में कि 37वीं विषम संख्या क्या है, 37 को दो से गुणा कर दो और माइनस एक कर दो, 74 में से एक गए 73, ठीक है। उसके बाद 94वीं विषम संख्या क्या है, 94 को दो से गुणा कर लो, ये कितना जाएगा, एक घटा लो, दो चौक आठ, दो नौ 18, 187 जाएगा ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 129वीं विषम संख्या क्या है, दो से गुणा कर दो और माइनस एक कम कर दो, 258 में से एक घटा दो, कितना जाएगा, 257। आप बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप इसको ऐड कर दो, आप इसको जब ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, आप तीन ऐड करेंगे, सात और तीन दस और सात 17, इकाई का अंक क्या आ गया, सात। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो तो अभी तक हमने कोई रूल नहीं पढ़ा था, अब हम रूल पढ़ने जा रहे हैं कि इसके रूल और रेगुलेशन क्या है, यूनिट डिजिट निकालने के रूल और रेगुलेशन। तो आप मुझे बताना डिजिट कितने होते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है तो ध्यान से देखना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये क्या है, 9, यही डिजिट होते हैं। पहला डिजिट क्या है बताओ, 0। पहला डिजिट क्या है, 0। दूसरा डिजिट क्या है, 1। और तीसरा डिजिट क्या है, 2। चौथा डिजिट 3। पांचवा डिजिट 4। छठा डिजिट क्या है, 5। सातवा डिजिट क्या है, 6। आठवा डिजिट क्या है बताओ, 7। नवा डिजिट क्या है बताओ, 8। और दसवा डिजिट क्या है बताओ, 9। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये डिजिट है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो ये 0 डिजिट है, जो ये 1 डिजिट है, ठीक है, जो ये 5 डिजिट है, जो ये 6 डिजिट है, इसका पहला रूल बन जाएगा, यानी 0, 1, 5, 6 है ना, का इकाई अंक ज्ञात करना, का इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, ज्ञात करना, पहला रूल बन जाएगा ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ही सीखते हैं, सबसे पहले हम इसी को सीखते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पहला रूल क्या बन गया कि 0, 1, 5 और 6 का इकाई अंक ज्ञात करना। आप याद रखना कि अगर इसमें कोई संख्या है 3, 1, 2 और ये 5, इसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी इसकी पावर हो, ठीक है, याद रखना का इकाई अंक क्या क्या रहेगा, 5 रहेगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई एक संख्या क्या है, 15 है, और 15 की पावर क्या है, 2 है, तो 15 को 15 से गुणा करेंगे ना, तो इकाई अंक कितना जाएगा बताओ, 25, यानी इकाई अंक तो 5 ही आ रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर मान के चलना कि 3126 की पावर कुछ भी हो, 1, 2, 3 कुछ भी आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, ये हो, तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, क्योंकि 6 को कितनी बार भी गुणा करो, 6 गुणा 6 गुणा 6 है ना, 36, यानी इकाई का आपका 6 ही आएगा, कितनी बार भी आप चाहे इसको गुणा करो। उसके बाद बात आती है किसकी, 1 की, 3111, ठीक है, इसकी पावर कुछ भी हो, 1223 हो, कुछ भी हो, इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम बात करें किसकी, 6 की हो गई, 0 की नहीं हुई ना, 3110, इसकी पावर कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, ठीक है, उसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। हम बात करें किसकी, ध्यान से देखना, हम बात करें किसकी, 1, 2, 3 और 1,
इसकी पावर कुछ भी हो लेकिन इसका इकाई अंक कितना आएगा? एक। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहां पर पांच था और घात कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा? पांच। घात कुछ भी हो है ना इकाई अंक क्या आएगा? पांच। घात अगर अंदर छह है तो इकाई अंक आएगा छह, अगर एक है तो इकाई अंक आएगा एक, अगर जीरो है तो इकाई अंक आएगा जीरो, एक है तो इकाई अंक आएगा एक। ये बातें आप समझ गए होंगे। ये है आपका रूल नंबर फर्स्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है? तो इस पहले आप उसको रूल को नोट कर सकते हैं। अब है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है देखना, ध्यान से देखना। ये क्या है? चार और नौ का, चार वे नौ का इकाई अंक ज्ञात, इकाई अंक ज्ञात करना। देखना एक बार आप मुझे बताना इसके अंदर चार वे नौ का इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखना आप मेरी बात ध्यान से सुनना और सामने ध्यान रखना। चार की पावर एक होगी तो उसका मतलब क्या रहेगा? चार। चार की पावर दो रहेगी तो उसका मतलब क्या होगा? सोलह के इकाई अंक छह रहेगा ना। चार की पावर तीन जो रहेगी इसका मतलब क्या होगा? चौंसठ के इकाई अंक चार। चार की पावर चार का मतलब क्या होगा बताओ? छह ही होगा। आप करके देख लेना चार को चार और गुणा। चार की पावर आप देखना पांच, इसका मतलब क्या रहेगा? चार ही रहेगा। चार की पावर छह का मतलब क्या रहेगा? छह ही रहेगा है ना। चार की पावर सात का मतलब क्या रहेगा? चार रहेगा। चार की पावर आठ बनेगा तो क्या बन जाएगा? छह ही रहेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चार को तीन बार मतलब गुणा करेंगे, चार चौक सोलह, चौक चौसठ के इकाई अंक चार है ना, तो ये तो आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसको कि चार की पावर अगर क्या हो, अगर मान लो ओड हो तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा? आप इसको कन्फ्यूज हो जाएंगे, ओड इसका मतलब इकाई अंक क्या रहेगा? चार। इतनी बात समझ पाए आप? चार की पावर अगर क्या हो, अगर इवन हो तो उसका मतलब क्या रहेगा हमेशा? छः। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या? तो आप देखना इसी प्रकार से, इसी प्रकार से देखना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नौ की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? नौ की। देखना नौ की पावर एक हो तो उसका मतलब क्या होगा? नौ। क्या होगा? नौ है ना। और नौ की पावर अगर दो हो तो उसका मतलब क्या होगा? इक्यासी का एक। नौ की पावर अगर तीन हो तो उसका मतलब क्या होगा बताओ? नौ ही रहेगा ना। नौ की पावर चार का मतलब क्या रहेगा? ध्यान रखना कितना रहेगा? एक। नौ की पावर पांच का मतलब क्या रहेगा? नौ। और नौ की पावर छह का मतलब क्या रहेगा? एक। नौ की पावर सात का मतलब कितना रहेगा? नौ। नौ की पावर आठ का मतलब कितना रहेगा? एक। तो आपको यहां से ये बात पता लग गई कि अगर नौ की घात क्या है? सम है, यानी क्या है? और विषम है, सॉरी। तो उसका मतलब क्या रहेगा हमेशा? नौ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर नौ की पावर क्या है? इवन है। क्या है? नौ की पावर इवन है तो उसका मतलब क्या रहेगा? एक। आप मुझे बताना इसमें कोई समस्या है क्या? आप इसमें कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। तो आप देखना यहां पर, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे करना है। अगर ये आ गया मान लो, इसकी पावर मान लो क्या है? ये है। तो आप मुझे बताना ये जो संख्या है सम है या विषम है बताओ। और इकाई अंक क्या है यहां पर है? देखना चार है यहां पर, इसका एक चार है। यानी अगर चार हो और ऊपर संख्या क्या हो? सम हो। क्या हो? सम हो तो क्या आएगा? सम हो तो छह आएगा। अगर विषम है तो क्या आएगा? आप डायरेक्ट लिख देंगे ना चार है इसका आंसर, लिख देंगे डायरेक्ट, समझ में आ गया आप। उसके बाद देखना 1234, ठीक है? अगर इसकी इकाई अंक क्या है आपके पास? 1232 है। तो अब कितना होगा इसका आंसर बता सकते हैं ना? क्या होगा? डायरेक्ट आंसर देना है आपको, ठीक है? उसके बाद तीसरी बात, अगर मान लो एक दो तीन नौ हो और इसकी पावर क्या हो? 1231 हो, तो आंसर क्या आएगा बता सकते हो ना? कितना आएगा? नौ आएगा। ध्यान रखना अगर मान लो 1239 हो और इसका इकाई अंक क्या हो? 1232 हो, तो आप बता सकते हैं ना आंसर क्या आएगा? एक आएगा। तो ये आपको चार पॉइंट जो है ना मैंने आपको बताए हैं, ये चार चीजें आपको नोट कर सकते हैं आप इसको। तो अब आप ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? जो मैंने आपको पढ़ाया एक दो तीन एक और इनकी पावर क्या है? 12 इंटू में क्या है? 13 मान लो इसको आप, इंटू में क्या है?
इसकी पावर क्या है 15 इंटू में क्या है आप मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, आप बता सकते हैं ना। 1 × 5 × 6 × क्या है 0, तो आंसर क्या जाएगा। अब आप ये समझ लेना कि किसी भी इसके इकाइयों के अंदर अगर 0 आ जाए तो पूरा 0 हो जाएगा, बिना सोचे समझे आंसर दे देना आप, बिना सोचे समझे, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं क्या आता है 0 आता है। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना आप। इसका आंसर बता दो आप। ये जो सवाल है पहले रूल पर डिपेंड है, ये सवाल जो है इन रूल पर डिपेंड है, 4 रनों पर। तो देखना आप इसका सॉल्यूशन क्या होगा, भाई 4 आ जाए और इसकी पावर क्या जाए विषम आ जाए, विषम आ गई, तो 4 की पावर विषम, 4 की पावर 1 का मतलब आप छोटी सी छोटी पावर लेके देख लो ना, अगर ध्यान नहीं रहे तो छोटी पावर ले लो आप, 11 की जगह 1 ले लो आप, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होता है ना, और 4 की पावर आप 2 लेके देख लो, सम लेके देख लो, विषम 6 आ रहा है, तो 4 की पावर 12 मतलब सामान्य चाहिए चाहे कितनी भी हो, लेकिन आंसर क्या आएगा यहाँ पर 6 × 9 की पावर 1 का मतलब 9 ही होता है ना, तो 9 ही आएगा, ठीक है, और 9 की पावर क्या है यहाँ पर विषम है ना, तो 9 × 9 = 81 तो 1 आएगा। अब आप बात समझ गए होंगे, 6 × 9 = 54, 4 × 16 इकाई कितना आएगा 6। आप बताओ जो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है इकाई अंक के अंदर तो आप अभी बता सकते हो, है कोई समस्या किसी को, यहाँ तक आप नोट कर लो सेकंड रूल तक। देखो यूनिट डिजिट पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप मेरी बात को सामने और यहाँ पर ध्यान से देखना, आप मुझे ये बताना इस क्वेश्चन के अंदर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, देखो 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6, ऐसे चल चलते 4 की पावर 99, 9 की पावर 100। आप मुझे ये बताओ कि मैं इसको अलग कर सकता हूँ क्या, आप ये बताओ इसमें डिजिट कितनी होंगी, आप बताओ इसमें 100 डिजिट होंगी, पता है ना आपको 100 डिजिट कैसे होंगी, क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है 9 की पावर 100, 4 की पावर 99, कहने का मतलब 100 नंबर है ये, 100 नंबर है ऐसे, तो आप देख रहे इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3 और 4 की पावर 5 और 4 की पावर क्या कर सकते हैं 7, ये बात समझ आ गए नहीं आया आपको, बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर क्या दे रखी है लास्ट में आपको 99। अब आप देखना इसको आप अलग कर लिया आपने, कर लिया अलग, ठीक है, इंटू में देखना आपको, अब देखना 9 की पावर कितनी है 2 है ना, और 9 की पावर कितनी है 4 और 9 की पावर कितनी है 6, और आगे देखना इसको मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया 4 की पावर 9 की पावर 100 कर दिया इसको मैंने, कर दिया, इसको भी आप क्या कर दो ऐसे, इतनी बात समझ में आ गई ना कि आप बताओ। अच्छा मुझे आप ये बता दो कि 4 की अगर सम पावर हो तो कितना आता है 6 आता है, अगर 4 की सारी पावर विषम है, बताओ विषम है कि नहीं बताओ, तो आप मुझे बताओ इसकी पावर क्या जाएगी, बताओ 4 की पावर भाई 1 है यहां पर, सबकी क्या जाएगी बताओ आप, यानी इकाई अंक सबका 4 आ जाएगा ना, सबका इकाई अंक 4 आ जाएगा, और ये कितने बताओ कितनी बार है ये 50 बार है कि नहीं बताओ आप, तो 4 की पावर को मैं 50 लिख दूं क्या, ये बताओ आप, समझ में आ गई कि ना, ये बात बताओ आप भाई, आप मुझे ये बताना कि ये 100 डिजिट है टोटल, 9 की पावर 100, देखो 4 की पावर 99, 9 की पावर 100, तो डिजिट तो 100 है ये, तो 50 तो क्या है 4 की है, और 50 किसकी है 9 की है, ठीक है, तो ये बताओ आप 4 की पावर अगर मान लो विषम हो तो उसका इकाई अंक क्या आता है 4 ही तो आता है, तो सबका 4 4 आ जाएगा, हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो 4 की पावर 50 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताओ आप बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहां तक। अब आप इसकी देखना, इनकी 9 की पावर कितनी बताओ सम है ना यहां पर, और 9 की पावर सम का मतलब क्या होता है
एक ही होता है कि नहीं होता ये बताओ आप। तो ये भी तो 50 बार है ना, ये कितनी बार है, ये भी 50 बार है। तो बताओ एक की पावर को 50 लिख सकते हो, लिख सकते हो ये बताओ आप, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इस एक की पावर 50 को मैं यहां लिख दूं, आप मुझे बताओ अगर 4 की पावर क्या हो, सम हो जाए तो इकाई अंक कितना आता है। 4 की पावर सम हो जाए तो इकाई अंक कितना आता है, 6 गुणा में एक की पावर 50, मैंने कहा ना कुछ भी हो तो 6। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, अगर इसमें बीच में प्लस आ जाए तो क्या करेंगे, अगर बीच में प्लस आ जाए तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, यहां पर आप मुझे बताना 4 की पावर 1 को, 4 की पावर किसको 3 को, 4 की पावर किसको 5 को, और प्लस 4 की पावर किसको 7 को। ऐसे करके आप लिख सकते हैं 4 की पावर 99 को। तो आप मुझे बताना यहां पर इसको अलग कर दो, ऐसे आप कर दिया आपने अलग, आगे देखना प्लस ही तो है आगे भी। 9 की पावर किसको 2 को, 9 की पावर किसको 4 को, 9 की पावर किसको, तो ऐसे प्लस कहां तक है, 9 की पावर 100 को, 9 की पावर 100 को, ये प्लस ही तो है, बताओ है कि नहीं प्लस। तो आप मुझे बताना कि इसका इकाई अंक अभी हमने सीखा था कितना आता है, 4, सबका ही 4 आएगा और लास्ट में भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, आगे देखना, प्लस 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1 है ना, ऐसे ही 1 फिर 1 फिर ऐसे ही 1, आप बताओ कितना आएगा 1। आप मुझे बताओ 4 को कितना जोड़, कितनी बार जोड़ना है, 50 बार जोड़ना है ना, तो आप 4 को 50 से गुणा भी तो कर सकते हैं ना, 4 गुणा में 50 ऐसे, और प्लस में क्या है, 1 को 50 बार गुणा कर दो क्या जाएगा, अरे यही तो आएगा भाई। तो 50 को कितना होता है 200, और 1 को 50 से गुणा करेंगे 50, तो इकाई अंक क्या जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन में 0, 1, 5 और 6 दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, क्योंकि दोनों में क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो 0, 1 पढ़ लिया, 4, 5, 6 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, अब क्या बच रहा है, अब 2 का, अब सॉरी 3 का और 7 का, अब किसका है, 3 और 7 का। तो तीसरा नियम क्या बनता है आपका, 3 में 7 का इकाई अंक ज्ञात करना, 3 में 7 में इकाई अंक ज्ञात करना। देखना 3 में 7 में इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से आप मेरी बात सुनना। आप देखना 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से, 3 होता है ना। लेकिन आप इससे पहले एक चीज यहां पर समझो, अगर x की पावर 2 हो और इसकी पावर अगर हम 3 कर दें तो ये x की पावर क्या बन जाती है, 6 बन जाती है, यानी ये गुणा हो जाती है। तो आप देखना 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27 के कहीं 7, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बताओ, 81। बात आगे समझ में आते नहीं आई, फिर से आप देखना 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, तो 3 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 गुणा में 1। समझ में आ गया नहीं आया आपको, 3 की पावर 4 और सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 और गुणा में क्या है, 3 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है ना, तो मतलब 3 की पावर 4 का मतलब तो 1 है ना, यहाँ पर 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, कितनी बार समझ पाए आप, अरे समझ पाए नहीं समझ पाए। 3 की पावर 6 को देखना, मैं 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ टुकड़ों में, ऐसे आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है ना, तो 3 की पावर 4 का मतलब तो क्या होता है 1, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, तो क्या आ रहा है 9। आगे देखना 3 की पावर कितनी है 7,
क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 और गुणा में 3 की पावर 3। आप 3 की पावर 4 को देखना क्या होता है, 1, और 3 की पावर 3 का मतलब 7 होता है कहीं, तो 7 एकम 7। 3 की पावर 8 का मतलब बताना, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 दुनिया 8 बन रहा है आपकी बार, पहले ऐसा नहीं बन रहा था, ठीक है। या इसको 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब 1, 1 की पावर 1 का मतलब 1 ही होता है। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ, चाहे 2 बार लिख लो ऐसे तब भी इसका मान क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से आप आगे चल रहे हैं, हम एक बार और आगे हम चल रहे हैं, 3 की पावर कितनी है 9। तो आप देखना 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4 और फिर 3 की पावर क्या है, 1 लिख सकते हैं ना इसको, इनका मान तो 1 1 हो जाएगा, 3 की पावर का मतलब 1 3 हो जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए आप इसको, इस बात को समझ पाए नहीं समझ पाए, 3 की पावर 9 का मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 1, 4 4 8 और 1 9, तब भी तो 3 की पावर 9 है ना, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है ना, इसका मतलब क्या जाएगा 3। समझ पाए नहीं समझ पाए, हाँ या ना ये बताओ, ठीक है। आगे देखना, 3 की पावर 10, 3 की पावर 4 और इसकी पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 2, और इनटू में क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो देखना 3 की पावर 4 का मतलब नीचे आप देख रहे हैं 1 है, 1 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हो जाएगा ना। 3 की पावर 11 में देखना आप, 3 की पावर 4 और इसको क्या करेंगे, 2, ठीक है, इनटू में क्या करेंगे, 3 की पावर 3, तो इसका मतलब तो 1 हो जाएगा ना, और 3 की पावर 3 का मतलब देखना वहां पर लिख रखा है 7। समझ पाए नहीं समझ पाए, 3 की पावर 12 इसमें देखना, 3 की पावर 4 और इसमें क्या है, 3 12, और 3 की पावर 4 का मतलब 1 है, देखो यहाँ पर 1 का पावर 3 तो क्या जाएगा, 3 की पावर 4 इसका मतलब 1 1 की पावर 3 तो क्या जाएगा, देखो यहाँ पर 1 का मतलब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही तो होता है। समझ पाए नहीं समझ पाए, हाँ या ना। आपने ये सीखा यहां से, क्या सीखा कि 3 की पावर 4 के बाद ना रिपीट हो रही है पूरी घात, क्या हो रही है देखना आप, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, आप देखो फिर से क्या बन रहा है 3, फिर से क्या बन रहा है 9, फिर से क्या बन रहा है बताओ 7, फिर से क्या बन रहा है 1। तो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने आपको इतनी राग ने यहाँ तक पढ़ाई ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई कि ना आ गई ये बताओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है कि बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ से देखो डाउट कैसे क्लियर होगा, अगर मैं आपको लिख दूँ 3 की पावर यहाँ पर 55, क्या लिख दूँ 3 की पावर 55, तो आपको क्या करना है, इसमें 4 का डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करेंगे तो जिसका डिवाइड करेंगे उसको आपको ऊपर लिखना है 3 की पावर 4 और उसके बाद 13 लिख देंगे। चाहे आपके समझ में ऐसे नहीं बैठ रहा तो आप ऐसे लिख देना, 3 की इसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 1 बचेगा, और इसमें देखना 5 4 3 12 कितना बचेगा 3। अब आप मुझे बताना 13 से तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड चला गया, तो 13 चौक 52 घात तो पूरी खत्म हो गई ना, 13 चौक 52 तो बन चुकी, कितनी और बच जाएंगी, 3 की पावर 3 और बच जाएगी। अब आप समझ में आ जाएगा कि आपको ये कैसे होता है ऐसा, तो 3 की पावर 4 अभी हमने पढ़ी थी, इसका मतलब तो 1 होता है, आपको हमेशा याद रखना है 3 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 13 मतलब 1, और 3 का क्यूब का मतलब 27 27 इकाई 7। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 3 की पावर 55 का मतलब क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 7। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको पूरी तरीके से, ठीक है, बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में बताओ, कोई दिक्कत आपको। फिर से आप देखना, मैं आपको 3 की पावर कितनी भी ले लो, चाहे 3 की पावर आप कितनी भी ले लो, चाहे आप ले लो 48 या आप ले लो 92 ले लो या 93 या 83, जो भी लेना चाहे आप ले लो, ठीक है। आप देखना 83 में आप 4 का भाग देना, क्या जाएगा ध्यान से देखना, 4 दुनिया 8 है ना, शेषफल कितना बचेगा 20, यानी शेषफल 20 हो जाएगा ऊपर, और इंटो में क्या है 3 की पावर 1, 4 दुनिया 8 शेषफल 3 मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि 4 3 12 नहीं हो रहा, 20 तो 80 चाहिए भाई, 80 तो यहाँ पर आ गई और 3 की पावर 3 यहाँ पर आ जाएंगी, यही होगा ना 83। अरे 20 चौक 80 और 3 की पावर 3 83 होता रहा है 3 की पावर, नहीं बैठी बात समझ में। तो 3 की पावर 4 हमने पढ़ रखा है, इसकी पावर 1 का मतलब 20, तो 1 ही होता है, इंटू में 3 का क्यूब 27, तो इसमें 7, इकाई अंक कितना जाएगा 7, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप 3 का नियम तो अभी समझ गए हैं, अब हम पढ़ते हैं 7 का नियम। अब देखना हम 7 का नियम कैसे पढ़ेंगे, 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 49 का 9, 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है
343 का 3 7 का और 4 का मतलब क्या होता है 81 का 1। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ इसको। ऐसे ही 7 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर क्या लिख सकते हैं बताओ, 7 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, और इंटू में 7 की पावर 1 लिखूंगा तो 7 की पावर 4 का मतलब तो क्या होता है 1 होता है, और 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। समझ पाए इस बात को, नहीं समझ पाए बताओ। 7 की पावर 6 में देखना तो 7 की पावर 4 लिख सकता हूँ और 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसका मतलब तो 1 होता है, और 7 की पावर 2 का मतलब 49 का 9 होता है यानी 9। समझ पाए। 7 की पावर 7 में देखना, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3 7 ही हो रहा है, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3 7 की पावर 7 हो रहा है ना, तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या है 1, 7 की पावर 3 का मतलब क्या है 3, तो यह आएगा 3। अब 7 की पावर 8 का और देख लो, 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 या 7 की पावर 4 के ऊपर फिर से पावर लगा सकते हैं 2, ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया बताओ 1 आ जाएगा। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 7 और 3 में ही ऐसा होता है 7 और 3 में ही ऐसा होता है, पावर 4 के बाद क्या हो रही है रिपीट हो रही है, क्या हो रही है रिपीट। तो 3 और 7 के नियम में क्या कर सकते हैं देखना, इसका क्वेश्चन 7 की पावर क्या है 55 है ना, अब देखना इसमें 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 के बाद क्या हो रही है पावर रिपीट हो रही है ना, इसलिए हम 4 का डिवाइड करते हैं। आज आपके बात क्लियर हो गई कि 4 का डिवाइड हम क्यों करते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको एक ही रूल बताऊंगा, उसमें आपके सारे काम हो जाएंगे एक ही रूल से। फिलहाल आप रूलों को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन सारे रूलों पर भी आते हैं। तो 7 की पावर 55 इसको क्या लिख सकते हैं 4 का डिवाइड करके 13, और फिर क्या लिखेंगे 4 और इंटर फिर क्या है 7 की पावर, अब की बार 3 है, ध्यान रखना अब की बार 7 की पावर 3 है, इस पहले 3 का रूल था तो 3 की पावर 3 थी। तो 7 की पावर 13 का मतलब क्या होता है 1, 1 की पावर 4 का मतलब 1, 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343, तो 3 एकम 3, तो समझ में आ गया इसका मतलब। 7 की पावर 55 में इकाई का अंक क्या होगा बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये आपका 3 में 7 में इकाई अंक ज्ञात करना, ये आपका रूल कंप्लीट हो चुका है, बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो 3 में 7 में इकाई अंक से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन, आप बता दो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। 43 की पावर 53 है, 43 की पावर क्या है 53, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना 3 का नियम, 3 के नियम में क्या है इसकी पावर 53 है, तो क्या कर सकते हैं -15 की पावर 17 में आप बताओ 5 होगा कि नहीं होगा इकाई अंक, अरे फिक्स है ना इसका, तो बता रखा है मैंने आपको, आप बताओ 3 की पावर 53 में, आप देखना कि 53 में किसका भाग देंगे आप बताओ, 4 का भाग देंगे ना तो कितना जाएगा 3 की पावर 4 ऊपर 13 लिख सकता हूँ ना मैं, और इंटू में 3 की पावर 1, जैसे ही 4 बन जाए ना वैसे ही आप याद रखना आंसर कितना जाएगा बताओ, इकाई अंक कितना होगा इसका, इकाई अंक क्या होगा बताओ, इसका मतलब तो 1 होगा ना, और इंटू में 3 की पावर कितना होगा 3। तो जब भी आप इकाई अंक की बात अगर करें ना तो इसको ऐसे लिखना ऐसे, इसका मतलब क्या होता है इकाई अंक क्या होता है, इसका मतलब इकाई अंक दहाई अंक सैकड़ा हजार, तब आपको क्या है सूटेबल रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करना, नहीं तो गलत कर दोगे, नहीं तो आपका आंसर तो क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर इकाई अंक 2 ही आ रहा है ना जावेद 5। आप मुझे बताओ कभी 3 में से 5 घट सकता है क्या, 3 में से 5 कभी घट सकता है क्या, जो दूसरा इकाई जो दूसरा टू डिजिट जो होंगी उसमें एक उधार लेगा ये और ये हासिल बना देगा, और हासिल बनाने के बाद ये 13 बन जाएगा, तो 13 में से 5 जाएंगे ना तो कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे, इसका राइट आंसर जो होगा ना 8 होगा, इसलिए याद रखना 2 कभी भी नहीं होगा, समझ में आ गया ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, देखो 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 5 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, अब क्या बचा 2 और 8 और बच गया, 2 और क्या बच गया 8। तो अब आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा 2 वे 8 का नियम, 2 वे 8 का इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, देखो 2 की पावर क्या है 1 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है बताओ
सिक्स होता है ना, फिर टू की पावर फाइव देखना क्या होता है, बताओ, दो होता है। टू की पावर सिक्स में देखना क्या होता है, एक दो, फिर दो से गुणा हो रहा है ना, चार। बस जब टू बढ़ेगा यानी एक पिक पावर बढ़ रही है तो टू टू बढ़ रहा है, कहने का मतलब तो टू ही तो मल्टीप्लाई करते जाओ इससे। टू की पावर सेवन का मतलब क्या होगा, एट। टू की पावर एट का मतलब क्या होगा, सिक्स। टू की पावर नाइन का मतलब क्या होगा, फिर टू होगा, है ना, सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर टू की पावर टेन का मतलब क्या होगा, और टू की पावर इलेवन का मतलब फिर इससे गुणा कर देंगे। टू की पावर बारह का मतलब क्या होगा, आठ दोनी सोलह यानी सिक्स। समझ में आई कुछ बात आपके, यानी चार के बाद यानी टू की पावर फोर के बाद रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना सिक्स सिक्स आ रहा है, कितना आ रहा है, चार के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिक्स सिक्स आ रहा है। अब एट की पावर वन का देखना आप, एट, एट की पावर टू का देखना क्या आ रहा है, सिक्सटीन। एट की पावर थ्री का कितना होगा, चार आ रहा है। आठ का क्यों कितना आएगा, दो आएगा ना यहाँ पर। चार का कितना आएगा, सिक्स आ रहा है क्या, यही आएगा ना। आठ की स्क्वायर कितना, चौंसठ, चार चौक सोलह, ठीक है, चौंसठ चार चौक सोलह कितना आ रहा है, देखने को आठ की बार चार का मतलब आठ इंटू आठ, चौंसठ का चार, चार चौक सोलह, यही आएगा, यही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखना एट की पावर कितना है, पाँच, फिर कितना आएगा, एट की पावर तीन का मतलब कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं, एट की पावर तीन, और एट की पावर कितनी, दो लिख सकते हैं, तो तीन का मतलब कितना है, दो, और आठ की पावर दो का मतलब कितना है, सिक्स, तो कितना जाएगा, टू आ जाएगा ना। एट की पावर सिक्स का मतलब कितना होगा, एट की पावर तीन, और फिर एट की पावर तीन कितना जाएगा, टू इंटू टू फोर हो जाएगा। एट की पावर सेवन का मतलब कितना जाएगा, दो इंटू छः, फिर दो आ जाएगा। एट का मतलब कितना जाएगा, एट की पावर चार, एट की पावर चार, तो सिक्स इंटू सिक्स कितना जाएगा, सिक्स आ रहा है। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा ना कि इसको दो ले लें, एट की पावर टू, यहाँ पर एट की पावर तीन की जगह दो ले लें, या इसमें एट की पावर तीन में एट की पावर चार ले लो, यहाँ एट की पावर कितनी ले लो, दो ले लो, तब भी तो छः ही बन रही है। तो यहाँ तीन तीन लिया, यहाँ चार दो लेके देखो ना एक बार, एट की पावर चार का मतलब कितना है, छः। एट पर टू का मतलब कितना है, एट की पावर चार का मतलब देखो यहाँ पर कितना है, सिक्स है ना यहाँ पर, और एट की पावर टू का मतलब कितना है, सिक्स है, तो सिक्स इंटू सिक्स कितना रहा है, छत्तीस दिखाई दे रहा है। एट की पावर चार का मतलब कितना है, सिक्स है, एट की पावर टू का मतलब कितना है, चार, सॉरी एक गलती कर दिया आपने ना भाई, आठ अठू चौंसठ होता है ना, आठ गुणा आठ, ठीक है, तो तभी तो कह रहा हूँ गलत कैसे आ रहा है, चार आ रहा है, तो यानी सही आएगा, कहने का मतलब ये, कैसे भी करके देख लेना आप चाहे ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखना दो में तो क्या है ना, पावर रिपीट हो रही है, दो में पावर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आठ एक और दो, इसकी पावर कितनी है, तीन है, तो आप देखना टू की पावर क्या लिख सकते हैं, टू की पावर इसको 123 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ, तो किससे डिवाइड कर, टू की पावर 123 है ना, इसमें किसका डिवाइड करेंगे, चार का डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, चार तिया बारह है ना, और तीस इंटू में क्या जाएगा, दो की पावर तीन, समझ में आ गए, दो की पावर तीन का मतलब कितना होता है, दो की पावर चार की पावर तीस का मतलब, दो की पावर चार का मतलब कितना होगा, बताओ, दो की पावर चार का मतलब कितना होता है, हाँ कितना होता है, छः होता है, तो छः की पावर क्या जाएगी, तीस जाएगी ना, और इंटू में क्या जाएगा, दो की पावर तीन का मतलब कितना होता है, आठ। आप मुझे बताना, छः की पावर कुछ भी हो तो छः ही आता है, इंटू में क्या जाएगा, आठ, तो छः अड़तालीस, इकाई अंक कितना जाएगा, आठ,
बात समझ में आ गई कि ना आ गई ये बताओ आप, क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, वैसे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा इन सबसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आप मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, मैंने आपको जीरो का रूल पढ़ा दिया, एक का पढ़ा दिया था, पांच का पढ़ाया, छः का पढ़ाया, पहला रूल। दूसरा पढ़ाया मैंने किसका? दूसरा मैंने पढ़ाया तीन का और सात का। फिर मैंने आपको पढ़ाया किसका रूल भाई? जीरो एक पांच छः का पढ़ा दिया, तीन और सात का पढ़ाया था ना मैंने पहले, है ना? फिर किसका पढ़ाया था? चार और नौ का पढ़ाया था पहले, दूसरा रूल चार और नौ का था, तीसरा तीन और सात का था, और चौथा दो और आठ का रूल था। जो आठ बनता है ना, दो की पावर तीन से बनता है आठ, तो दो और आठ का रूल सेम है, ध्यान रखना आप, यानी आठ में ही दो आ जाएगा, चाहे दो में, आठ में दो आ जाएगा, कहने का मतलब। तो ये सवाल है, बारह की पावर पचपन, तीन की पावर ग्यारह, प्लस आठ की पावर अड़तालीस, प्लस बटा में सोलह की पावर अट्ठारह में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो कैसे करेंगे, बारह की पावर तो पचपन है ना, इसको ऐसे कैसे लिख लो आप पहले, तीन की पावर ग्यारह को यहाँ लिख लो आप, प्लस में क्या है एट की पावर अड़तालीस, बटा में क्या है सोलह की पावर क्या है अट्ठारह। आप मुझे बताना बारह को क्या लिख सकते हैं, तीन इंटू चार की पावर पचपन लिख सकते हैं क्या, आप बताओ? अरे ऐसा कह सकते हैं ना, तीन चौक बारह की पावर पचपन, तब भी तो बात वही है ना, क्योंकि नीचे तीन की पावर क्या है ग्यारह है, प्लस अच्छा एट की पावर देखना आप क्या है, इसको दो की पावर तीन लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है बताओ अड़तालीस, इसको दो की पावर क्या लिख सकते हैं सोलह को चार, और इसकी पावर कितनी अट्ठारह। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है बताओ क्यों? क्या क्योंकि दो दो सेम हो जाएगी, तीन तीन सेम हो जाएगी। अब तीन की पावर पचपन और चार की पावर क्या है बताओ पचपन, और ग्यारह की पावर, तीन की पावर क्या है ग्यारह, प्लस में क्या है आगे दो की पावर तीन और अड़तालीस को गुणा करेंगे तो दो की पावर कितना जाएगा एक सौ चौवालीस, और दो की पावर क्या जाएगी बहत्तर। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? अच्छा तीन की पावर ग्यारह इसमें से कट जाएंगे तो कितनी बच जाएंगी बताओ, तीन की पावर चौवालीस बच जाएंगे ना, इंटू चार की पावर पचपन, प्लस में आगे दो की पावर बहत्तर इसमें से कट जाएंगे कितनी बच जाएंगी, दो की पावर बहत्तर बच जाएगी ना, है ना? तीन की पावर चौवालीस का बताओ क्या होगा? अभी मैंने आपको तीन का रूल पढ़ाया था, ध्यान है आपको तीन के रूल पढ़ाया था, आप देखो इसमें मैंने क्या पढ़ाया था तीन के रूल में आपको, अरे बताओ ना किसका भाग देंगे इसमें बताओ, तीन की पावर आप देखना चार का भाग देंगे इसमें, और इसकी पावर क्या है बताओ ग्यारह है कि नहीं है ना यही, और चार में क्या पढ़ाया था रूल, चार की पावर पचपन है, चार की पावर क्या है पचपन, तो चार की पावर पचपन का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बताओ चार का पावर भाग देंगे इसमें कितनी कितनी बढ़ जाएगा, इसमें देखना चार की पावर पचपन है ना, और मैंने रूल पढ़ाया था अगर विषम संख्या हो तो चार की पावर एक का मतलब क्या है एक, चार ही होगा ना, इंटू में चार लिख दो क्या, और दो की पावर कितना है बहत्तर है, दो की पावर क्या है बहत्तर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें हम चार का भाग दे सकते हैं क्या, चार का भाग दो कितना जाएगा, दो की पावर चार, चार त्या कितना है चार, चार एकम चार और कितना आएगा आठ, ठीक है तीन की पावर चार, आप मुझे बताओ कि इसका मतलब एक होता है, एक की पावर ग्यारह का मतलब एक ही होता है, इंटू में क्या है चार, प्लस में क्या जाएगा, दो की पावर चार का मतलब क्या होता है कितना होता है छः होता है, और छः की पावर कितना है अट्ठारह, तो हमने दो से छः बना लिया ना, तो आसान कर दिया हमने इसको, तो छः की पावर अट्ठारह छः ही तो आएगा, और चार एकम चार तो छः और चार कितना हो गया दस, तो इकाई अंक बताओ आप कितना जाएगा, ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।